एक देश जो एक समय पर सारे विश्व के लिए खुला फिर भी सबसे जुदा है। यहाँ की अनमोल संस्कृति भारतीयता की पहचान है। हिमालय भारत का प्राकृतिक पहरेदार है। इस पर्वत श्रृंखला के चरणों में अति शक्तिशाली गंगा विराजमान है। पश्चिम में रेगिस्तान का विस्तार, दक्षिण में भारतीय द्वीप। यहां चार मौसम हैं, सर्दी, गर्मी, वर्षा ऋतु और बारिश के बाद का महीना। भारत पुष्प विविधता से समृद्ध है। लगभग 46,000 से भी अधिक की प्रजातियां विश्व के संयंत्र विविधता में 10वें स्थान पर हैं। 92,000 से भी अधिक प्रजातियां भारत को अपना घर कहती हैं। बंगाल का राजसी बाघ देश का राष्ट्रीय पशु है और मोर राष्ट्रीय पक्षी। आबादी के लिहाज से भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है। भारत में युवाओं की जनसंख्या और देशों के मुकाबले अधिक है, जिसका देश की भलाई के लिए फायदा उठाया जा सकता है। भारतीयों को अपने तिरंगे, अपने राष्ट्र ध्वज पर नाज है। राजधानी सारनाथ का सिंह राष्ट्र का प्रतीक है। सत्यमेव जयते या हमेशा सत्य की जीत होती है, इसकी प्रतिपादिका पर अंकित है। जन गण मन राष्ट्रगान है। भारत का एक राष्ट्र गीत भी है। भारत राज्यों का एक संघ है। राष्ट्रपति देश के संवैधानिक प्रमुख हैं। कार्यकारी शक्ति मंत्रियों के परिषद के पास है, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं। हर 5 साल के बाद शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव होता है, ताकि सत्ता का हस्तांतरण आसानी से हो सके। इसमें 18 साल से ऊपर के लोग मतदान देने के हकदार हैं। सरस्वती माता की जय, शीतला माता की जय। भारत दुनिया के विविध धार्मिक राष्ट्रों में से एक है। कानून और रिवाजों द्वारा धार्मिक सहिष्णुता भारतीय जीवन का एक हिस्सा है। आजादी की लड़ाई ने प्रारंभिक 1900 में रफ्तार पकड़ ली, जिसकी अगुवाई महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल जैसे नेताओं ने की। भारत को 15 अगस्त सन 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई। 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणराज्य बना। '91 के बाद से लगातार आर्थिक उदारीकरण के कारण देश बाजार आधारित अर्थव्यवस्था की ओर चल पड़ा है, जिसकी वजह से प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी हुई है। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सांकेतिक सकल घरेलू उत्पाद के क्षेत्र में 10वें स्थान पर है और खरीद शक्ति समता में 3रे स्थान पर।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2014-2015 के लिए भारत के सकल घरेलू की विकास दर 5.6% बताई है। विनिर्माण उद्योग ने एक निरंतर भाग बनाए रखा है, लेकिन अर्थव्यवस्था का सबसे तेजी से बढ़ता क्षेत्र है सेवा क्षेत्र। इस तरह के अद्भुत विकास के लिए आवश्यकता है पर्याप्त बुनियादी सुविधाओं और ऊर्जा की। भारत इस क्षेत्र में बढ़ती हुई मांग को पूरा करने हेतु स्थायी समाधान खोजने के लिए कार्यरत है। एक बजट के अंतर्गत कुछ नई खोज करने को मजबूर भारत के मितव्ययी लेकिन सफल अंतरिक्ष कार्यक्रम ने अपने नाम के कई बार झंडे गाड़े हैं। भारत अब पड़ोसी और मित्र देशों को सैटेलाइट लॉन्चिंग की सुविधा प्रदान करा रहा है। भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर लंबी है। ये अपने सभी पड़ोसियों के साथ एक सहयोगी और मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ाना चाहता है। जब से संयुक्त राष्ट्र मिशन की स्थापना हुई है, तब से भारत ने सबसे ज्यादा सैनिक योगदान दिया है। भारत की विदेश नीति अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सक्रिय है। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक मामलों में एक प्रमुख आवाज बनकर उभर रहा है। भारत के अधिकतर देशों के साथ औपचारिक और राजनयिक संबंध हैं। भारतीय मूल के लाखों लोग जीवन यापन के लिए विदेशों में रहते और काम करते हैं, लेकिन उनका अपनी मातृभूमि से अनोखा रिश्ता है। भारत कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के संस्थापक सदस्यों में से एक है, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र, एशियाई विकास बैंक, G20, ब्रिक्स और गुट निरपेक्ष आंदोलन। भारत को वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक स्थायी सीट की तलाश है। भारत का फिल्म उद्योग दुनिया भर के कई देशों के लिए मनोरंजन का एक स्रोत है। हमारी फिल्मों के जरिए दर्शकों को हमारी विविध संस्कृति की एक झलक पाने का मौका मिलता है। आज दुनिया भर में भारतीय सिनेमा को देखा जा रहा है और भारतीय फिल्म सितारों के दुनिया भर में प्रशंसक हैं। भारतीय खेल से जुड़े लोग, विशेष रूप से क्रिकेटर, अपने प्रशंसकों के चेहरे पर खुशी लाते हैं। नए नेतृत्व के अंतर्गत भारत साहसपूर्वक भविष्य की ओर आगे बढ़ रहा है। भारत के विकास की कहानी को बनाए रखने के उद्देश्य के साथ प्रधानमंत्री ने एक भव्य पहल मेक इन इंडिया प्रोग्राम की घोषणा की है। आज लाल किले की प्राचीर से विश्व भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया, आइए हिंदुस्तान में निर्माण कीजिए। विश्व में भारत को एक विकसित राष्ट्र बनने की उम्मीद है, जहां उसके नागरिक सभी देशों के साथ संबंधों को बनाए रखते हुए शांतिपूर्ण और आर्थिक रूप से समृद्ध जीवन जी सकें। अहिंसा हमारे लिए विश्व का एक अनुच्छेद है और हमारी विदेश नीति मैत्री और सहिष्णुता पर आधारित है। प्राचीन भारतीय विश्वास के अनुसार पूरा विश्व एक परिवार है। आज भारत दुनिया भर में मित्रता की डोर को थामे हुए आगे बढ़ रहा है।